राधे राधे मित्रों, कैसी चल रही है आपकी प्रेगनेंसी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बेबी जब गर्भ में होता है तभी से एक प्रेग्नेंट माँ का जुड़ाव अपने बच्चे से हो जाता है। एक ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और हेल्दी बेबी की चाहत सभी पेरेंट्स को होती है। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसे अपने आप से ज़्यादा अपने बच्चे की टेंशन होती है। अपने बेबी के हेल्थ के लिए अपने लाइफ में कई तरह के चेंजिंग को एक माँ हैप्पीली एक्सेप्ट करती है, जो कि बेबी के ग्रोथ और हेल्थ के लिए सही भी है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करूंगी जिन्हें अपनाकर आप एक हेल्दी, क्यूट एंड इंटेलिजेंट बेबी की माँ बन सकती हैं। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है, तो वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला टिप्स है, अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो अंडे को अपने डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। इसमें सेलेनियम, जिंक, विटामिन ए और विटामिन डी के साथ कोलीन पाया जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ पर हुई स्टडीज़ से ये बात सामने आई है कि अगर एक माँ प्रेगनेंसी के दौरान एक को अपने डाइट में ऐड करती है तो उसके बेबी का ब्रेन अच्छे से डेवलप होने के साथ साथ उसके सीखने की क्षमता और मेमोरी पावर अच्छी होने के साथ बेबी के बोन्स भी स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन अंडे की तासीर गर्म होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा अंडा प्रेगनेंसी के दौरान खाने से बचें। सेकेंड टिप्स है, अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर लें। बेबी के मेंटल हेल्थ के लिए वो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोयाबीन, बादाम, अखरोट और अलसी जैसी चीज़ों में वो ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रॉपरली मौजूद होता है। अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो ओमेगा 3 के लिए मछली भी खा सकती हैं। टिप्स नंबर 3, मेंटल एक्टिविटी करें। आपने सुना होगा कि बेबी अपने माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। महाभारत के टाइम अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना माँ के गर्भ से ही सीखा था, और स्टडीज़ भी ये बताती है कि अगर प्रेगनेंसी में कोई भी औरत मेंटल एक्टिविटी करे, रीजनिंग, सुडोकू वगैरह सॉल्व करे, तो इससे बेबी का माइंड बहुत तेज होता है। इसके अलावा अच्छी बुक्स पढ़ना, लिखना और अच्छा म्यूजिक सुनने का भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट बेबी के ब्रेन पर पड़ता है। टिप्स नंबर 4, योग और मेडिटेशन करें। मेंटल हेल्थ के लिए योग और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। टेंशन बेबी के मेंटल हेल्थ पर बैड इफ़ेक्ट डालता है, इसलिए अपने आप को टेंशन फ्री रखने के लिए और बेबी के प्रॉपर मेंटल ग्रोथ के लिए आप रेगुलरली मेडिटेशन ज़रूर करें। मित्रों, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। वीडियो को कम्प्लीट देखने के लिए धन्यवाद।